कर्म के स्वरूप को विधि तया नहीं एक्सप्लेन किए हैं, परंतु उनको माँ भगवान ने कंक्लूजन बताया है कि इन कर्मन को स्वरूप क्या है, जाके प्रमाण वचन यहाँ गीता जी में जैसे भगवान ने समझाया है वो दिए हैं पेज नंबर 16 पे। वहाँ कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इन सब वचनन में यज्ञ को स्वरूप या यज्ञ की आवश्यकता या यज्ञ सुप्राप्त होते फल इन सब अनको निर्धारक वचन तया बताए हैं। विधि मुख सु स्मृति होवे के कारण गीता में भगवान ने नहीं बता के कर्म संन्यास के ऊपर एम्फोसिस ज्यादा दियो है गीता स्मृति होवे के कारण। तो जैसे अभी श्यामा जी ने आज्ञा की बात एक ही होवे, परंतु शास्त्र में स्टैंडर्ड बदल जावे के कारण उन आदेशन को स्वरूप बदल जावे, विषय एक ही होवे, वो फॉर्मेट अपन को यहाँ मिले। और आगम तंत्र प्रोक्त शिव शक्ति विष्णु आदि के उपासना कर्म जो बताए गए हैं उनमें भी सर्वाधिकारक वो हैं। पूजा के लिए हमें द्विजाधिकारक वो भी कर्म बन जावे, परंतु निर्मंत्रक करो तो जो द्विज नहीं है उनके लिए भी उनकी अधिकारिता है। ये वेद सु व्यतिरिक्त अन्य शास्त्र में जो कर्मों को फॉर्मेट है वो वेद सु या तरीका सु भिन्न है। महाप्रभु जी ने भागवत सुबोधनी में ये आज्ञा लास्ट टॉपिक वैदिक कर्मन धर्मन की भक्तंग बनवे पर उनकी उत्तमता को प्रतिपादन महाप्रभु जी ने किया है कि इतने विस्तार को निचोड़िए है कि वैदिक धर्म करते करते जब भक्ति उत्पन्न हो जावे तब ये जानना चाहिए कि वैदिक धर्मन को अनुष्ठान उत्तम प्रकार से भयो, और भक्ति को उत्पन्न कर देनो ही वैदिक धर्मन की उत्तमता है। और भागवत जी में ब्रह्मा जी ने भी ये बात कही कि समग्र वेद को बुद्धिपूर्वक 3 बार अध्ययन करवे के बाद निश्चय ब्रह्मा जी ने भी ऐसो निश्चय कियो कि जीवन को प्रभु में स्नेह होवे यही वेद को सार है। यानी उन कर्मन को कियो जाए, परंतु उन कर्मन को भगवान को विषय बना के कियो जाए तो ही उनकी उत्तमता है और भगवत प्राप्ति रूप वो कर्म बन सके। परंतु भगवान को अपन फोकस में नहीं रख के उन कर्मन को करें तो फिर उनकी सकामता या आध्यात्मिकता आदि भौतिकता ठीक बात है, परंतु वेद को तात्पर्य ऐसे भौतिक आदि भौतिक स्टैंडर्ड बतावे में नहीं है। उपसंहार में यहाँ श्री महाप्रभु जी ने चतुर्स्कंध में जो बात बताई धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थन की फल साधकता के संदर्भ में, वो ये है कि धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम कार्यम कृष्णांग्री सेवया सिद्धेत सर्वजीवानाम नान्यथे त्यस्य संभव धर्म सिद्धस्तु दक्षस्य ध्रुवस्यार्थ तथा पृथो काम प्रचेतसा मोक्ष सुरुच्यादेह न सिद्ध्यति। अर्थात वहाँ दक्ष प्रजापति ने भी वाजपेयी यज्ञ को अनुष्ठान किया, परंतु वहाँ में जितने भी विघ्न आए वाके अंत में भगवान के प्रकट हुए पर ही उनके धर्म पुरुषार्थ की सिद्धि भई। और ध्रुव जी ने भी अपने अर्थ पुरुषार्थ को संपादन कर लेवे के बाद यज्ञ द्वारा भगवान को यजन कियो जाको निरूपण वहाँ कियो गयो है। वही तरीके से पृथ्वीराजा ने भी काम पुरुषार्थ सिद्ध हो जावे के बाद भगवान को यजन कियो तब ही वो पुरुषार्थ सिद्ध भयो और बाकी सब विघ्न हते वो सब मतलब सॉल्व हो गए, उनके हमें समस्या नहीं आई। यानी वेद को ऐसा स्वरूप प्रत्येक जीव को समझ में नहीं आवे है और उन कर्मन को ऐसा स्टैंडर्ड भी सब प्रत्येक जीव समझ नहीं सके, वाके लिए महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि इति नित्य श्रुते अर्थ सात्विकानाम प्रकाशते पंचात्मको भगवान वेदार्थ इति निरूप्य सर्वेशां तथा बुद्धिभावम आशंक्य तेषां दोषम कथयन सोक्तम उपसंहरति इति सात्विकानाम एव अयम अर्थ प्रकाशते न सर्वेशाम इति अर्थ। यानी वेद को मूल तात्पर्य ऐसो है जो सात्विक लोग समझे हैं, अन्यन को यज्ञ आदि कर्मन को जो भी तात्पर्य समझ में आता हो, परंतु वेद को मुख्य तात्पर्य वहां में नहीं है। और ऐसे भगवान यज्ञात्मक भगवान के स्वरूप ज्ञान की दुर्लभता को वर्णन भागवत जी में भी या तरीके से किया गया है कि वेद बहुत विस्तार वाले हैं और उनके भाव को जान पाना संभव नहीं है। अनेक महानुभाव भी भगवान की आलोचना करके मंत्रण में निर्दिष्ट वज्र हस्तत्वादि गुण वाले इंद्रादि देवतान के रूप में भिन्न भिन्न कर्म द्वारा परमात्मा को ही यजन करें तथापि उन यज्ञन के भीतर रहे हुए भगवान के स्वरूप को जान नहीं पाए, तो ये तकलीफ अपनी अंडरस्टैंडिंग में है, वेद में नहीं है। ये बात बेसिकली महाप्रभु जी क्लियर करना चाह रहे हैं। और उन
वेद के कर्मन की जितनी भी डिफिकल्टीज हैं वो भी भक्ति की भावना सु भगवान में एकनिष्ठ होके या समर्पित करवे की भावना सु किए जाएं तो भगवान अधिष्ठा तो होवे सु उन कर्मन की सब डिफिकल्टीज भी सॉल्व हो जावे और उन कर्मन को भगवान अपनी शक्ति सु संपन्न करें जीव के लिए। बाको निरूपण भी भागवत जी में जब भगवान ने यज्ञ पत्नी के वहाँ पधार के यज्ञ सामग्री को मांगी और ब्राह्मण ने नहीं दी तब ब्राह्मण ही ये बात कह रहे हैं कि हमारे शुक्ल सावित्र तथा याज्ञिक ऐसे तीनों ही जनमन को धिक्कार है, तीन वेद सहित सभी विद्यान को धिक्कार है, हमारे वैदिक व्रत भी को भी धिक्कार है तथा बहुज्ञता को भी धिक्कार है, कुल तथा क्रियान की चतुराई को भी धिक्कार है। अर्थात उन कर्मन के रूप में भगवान को जान नहीं पावे तो वो सब इनकम्प्लीट रहे और भगवान के रूप में उनको जाने तो कर्म मार्गी भी भगवान को फोकस बना के उन कर्मन को करे तो ही वो फुलफिल हो पावे। ये बात वहाँ भागवत जी में भी सिद्ध की है और उनकी विषमता भगवान ही संपन्न करें। ऐसा शुक्राचार्य जी भी बलि राजा के यज्ञ प्रसंग में भगवान पधारे वहां ये कह रहे हैं कि भगवान जिनने आपको अपने सब कर्म समर्पित कर दिए ऐसे बलि राजा और सभी प्रकार से यज्ञेश्वर यज्ञ स्वरूप भगवान की पूजा की है, ऐसे बलि राजा के कर्म में यदि कोई भी त्रुटि विषमता कैसे हो सके क्योंकि भगवान को उनने पूजन कियो, क्योंकि मंत्र की अनुष्ठान पद्धति की देश काल पात्र तथा वस्तु की जितनी भी त्रुटि है वो भगवान के संकीर्तन मात्र से निवृत्त हो जावे। तो ओवरऑल कर्म को ये फॉर्मेट शास्त्र अपन को समझाना चाहे और ऐसे फॉर्मेट सु जब कर्म मार्ग को अपन देखें तो वो निश्चित ही भगवत प्राप्ति को या उद्धार प्राप्ति को साधन बने वहां में कोई संशय नहीं है। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद में जा वक्त मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य को टोक्यो मुकु छोड़ के तुम संन्यास लेने जा रहे हो, क्या चीज लेने जा रहे हो वो तो बताओ। और याज्ञवल्क ने कही के हंत कात्यायन्याते अंतम करवाणी, मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, याज्ञवल्क की दो पत्नियां थी मैत्रेयी और कात्यायनी, तो मैं डिवाइड करके पार्टीशन करके तुम दोनों को बांट दे रहे हूँ और मैं जा रहे हूँ। तो ये मैत्रेयी ने मको कहो कि तुम जा कहाँ रहे हो हमको छोड़ के, ये तो बताओ। तो आने कही कि अमृतस्य तो नाशास्ति वित्ते न, जो वित्त तुम मुको दे के जा रहे हो वासु क्या मुको अमृतत्व तो मिलेगो? याज्ञवल्क्य की नहीं, अमृतत्व तो नहीं मिलेगा और मैं वो अमृतत्व की खोज में जा रहे हूँ, अमृतत्व से तो नाशास्ति वित्ते न। तो याज्ञवल्क्य को मैत्रेय ने कही कि ये ना हम नामृतास्यां किमहंते न कुर्याम, जो तुमने प्रॉपर्टी को पार्टीशन किया है जा चीज को पाने के लिए, वहां में तुम मुको अपनी अर्धांगनी नहीं मान रहे हो, जा को तुम छोड़ रहे हो वहां में तुम अर्धांगनी मान रहे हो, तो ऐसी अर्धांगनी होने को मेरा फायदा क्या और अर्धांग होने को तुम्हारा फायदा क्या? वक्त याज्ञवल्क ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मैत्रेयी तू सिर्फ ना प्रिय है पर प्रिय बोल भी रही है, ऐसे मैत्री बहुत प्रिय बोली है। अच्छा क्यों प्रिय बोली है वो कारण बताऊं, क्योंकि औसतन जो भी पुष्टि मार्ग के लेखक वगैरह जो भी हैं प्रवचन करता या उपदेश करता पूपा प फ सब वैरायटी है हमें वेशासम वगैरह, वो मियां की दौड़ मस्जिद तक, थोड़ा बहुत षोडश ग्रंथ बोल दें, थोड़ा बहुत सुबोधनी के यहाँ आके कोटेशन कर दें, अपने एक महाप्रभु जी है विचारों में, आपको विचारों कह रहे हूँ, निंदा के अर्थ में नहीं प्रशंसा के अर्थ में, को भक्ति मार्ग आप जो मारतंड होते वह भी उनने मीमांसा को कितनों विचार किया है।
बाप कोई ध्यान ही नहीं दे, कोई ध्यान नहीं दे। मुझको बड़ी खुशी भाई के मीमांसा को इतना विचार मैत्रेय ने किया। अख्तरी की एक गजल है, शायद तो मैं भूलता नहीं तुम, कि उनके जलवे समेट लाई है ये नजर आज काम आई है। नजर को काम क्या है, बात ध्यान समझो, कोई जलवा को समेटना, कोई दृश्य को जो दिखलाई दे रहे हो है वाकू वात्र से इनपुट डालना कि अपने माइंड में वो दृश्य पैदा हो जाए। अंकित जी के भाषा के ढंग से सोचें तो अपने जो न्यूरोकेमिकल या न्यूरो बायोलॉजिकल जो अपने न्यूरॉन्स हैं उनमें वाको एक मॉडल बन जाए, उनके जलवे समेट लाई है। ये पत्र जो है ना महाप्रभु जी का मीमांसा संबंधी जलवा को समेट के लाया है और ये नजर आज काम आई। रादर डिफिकल्ट टास्क है ये। क्यों डिफिकल्ट है वो कारण समझो, क्योंकि यामे की कोई भी आइटम आज कुछ नाटक चेटक करने के लिए चल रही है वो बात दूसरी है, बाकी न तो प्रैक्टिकल है, न कोई को वा बारे की क्रेविंग है, न कोई वा बारे में अपन सचमुच में सीरियसली कुछ करें तो इम्प्लीमेंटेशन वर्दी है। नहीं है वो एक कथा दूसरी है, वो आज की अपनी कथा है, पर महाप्रभु जी के वा बारे में थॉट्स हैं, वा बारे में महाप्रभु जी की कोई थ्योरी है, महाप्रभु जी की वा बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग है, वो अपनो महाप्रभु जी के अनुगामी होने के कारण अपना एक कर्तव्य है कि महाप्रभु जी के वा पहलू को भी अपने को समझना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी अपनी अपनी नैरो दृष्टि के कारण महाप्रभु जी बिचारो बदनाम है कि भक्ति मार्ग को आचार्य है। महाप्रभु जी भक्ति मार्ग को डेफिनेटली आचार्य है, पर ऐसा आचार्य नहीं है कि जाने कर्म मार्ग को विचार नहीं किए हो, जाने ज्ञान मार्ग को विचार नहीं किए हो, जाने पुरुषार्थ मार्ग को विचार नहीं किए हो, धर्म को विचार नहीं किया हो, अर्थ को विचार नहीं किया हो, काम को विचार नहीं किया हो, मोक्ष को विचार नहीं किया हो, ऐसा आचार्य नहीं है। आज चुनौती ही शास्त्राणी है, वह उनने सारे शास्त्रों को विचार किया है और उनने जो विचार किया है और अपन उनके अनुगामी हैं तो ये अपनों कर्तव्य। पर अपन क्या कि 56 भोग ही सामने लाएंगे तो सब लोग यही समझेंगे पुष्ट मार्ग में 56 भोग। महाप्रभु जी को ये फैसेट भी सामने लाना अपनो एक तरह की नमक हलाली है, नमक हरामी नहीं, कि अपने आचार्य ने कितनो विचार किया है या साइड में भी। अब यदि वाको अपन नहीं विचार करें तो इन्हें वे अपन नमक हराम है। सबसे बड़ी बात यहां में यह है, क्योंकि अपन एक ही प्रोजेक्ट करते रहे महाप्रभु जी को अने पची अने पची अने पची, तो कथाकार ने उनको लीला में कहीं तो कहीं लॉक कर दियो है, कुछ ने जो है वो यमुनाष्टक से शुरू करें और यमुनाष्टक में तवाष्टक अमिदम मुदा पठति सूर सुतेस्ता समस्त दुर्तक्ष भवत्वे मुकुंदे रति, वहां पुष्टि मार्ग के प्रवचन खत्म हो जाते हुए। भाई पुष्टि मार्ग के प्रवचन वहां खत्म नहीं है, पुष्टि मार्ग के प्रवचन वहां से स्टार्ट हो रहे हैं, वो स्टेपिंग स्टोन है। तुम आगे तो बढ़ोगे कि नहीं कभी? तनुनवत्व मेतावता, तुम खाली कह रहे हो कि सेवा फल तक जाओगे कभी, तो जामे नहीं, तो जब वहीं तक नहीं जामे तो यामे तो कौन जाएगा आज की तारीख में? मैत्री जैसे कोई बेवकूफ होंगे वही जाएंगे, बुरो मत मानियो, कोई जावे नहीं, बेवकूफ गाली नहीं हो, बेवकूफ को मतलब है जो वाकिफ नहीं होए कि ट्रेंड क्या चल रहे हो है, जो वाकिफ होए वो वकूफ और जो वाकिफ नहीं होए मन जो अवेयर नहीं होए कि क्या ट्रेंड चल रहे हो वो बेवकूफ। वह अर्थ में बेवकूफ कह रहे हो, मूर्ख के अर्थ में नहीं, मूर्ख को बेवकूफ को अर्थ एक मूर्ख भी हो गया है, पर जो ट्रेंड चल रहा है वास्तव ये वाकिफ नहीं है, वह अर्थ में ये बेवकूफ है।
प्लीज टेक मी इन राइट सेंस। ये ऐसे कोई एकाद दो बेवकूफ है वही लिखेंगे, सब तो लिखेंगे नहीं। ये विषय को क्यों लिखना, क्योंकि ट्रेंड है नहीं आपको, या विषय को कोई सोच नहीं रहे हो, या विषय पर आचार्य चरण को अभिप्राय क्या है ये कोई को ख्याल नहीं है। सबसे बड़ी बात या मैं समझने की एक यह है कि जितनी भी साधना है वो साधना, हर साधना अपने आप की साधना, क्योंकि साधना का विचार अपने आप प्रमाण प्रमेय और साधन फल के अंतर्गत आवे है। तो प्रमाण प्रमेय और साधन फल के अंतर्गत आने के कारण जो भी साधना का विचार है वह को अपन साधन के अंतर्गत करें, वह चैप्टर में, प्रमाण के चैप्टर में नहीं करें, प्रमेय के चैप्टर में नहीं करें, फल के चैप्टर में नहीं करें। महाप्रभु जी को फॉर्मेट है प्रमाण प्रमेय साधन फल, वो फॉर्मेट महाप्रभु जी को इतना प्रिय है तो महाप्रभु जी सब जगह देखना चाहें, उनकी एक अप्रोच है वो, या उनको वो बायस कह दो तो बायस है जो भी है कि वो हर चीज को वह एंगल से देखना चाहें महाप्रभु जी। वह एंगल से देखने के कारण अपने आप देखना ये बहुत जरूरी है, हर चीज को प्रमाण प्रमेय साधन फल देखना चाहिए। वाक्य अंतर्गत जितनी भी साधना है वो साधन के अंतर्गत देखी जा रही है। अब वो साधन जो है अपने को करना है, करके अपने को वो क्लिक नहीं हुए है कि साधना क्या है। हर साधना बेसिकली एक बात ध्यान से समझो, के प्रमाण प्रमेय साधन फलात्मक जो भगवान को स्वरूप है, भगवान को स्वरूप ही प्रमाण प्रमेय साधन फलात्मक है। एस पर महाप्रभु जी अप्रोच और महाप्रभु जी बायस, जो बापू को प्रशंसा करना है तो अपन अप्रोच कहेंगे, निंदा करना है तो बायस कहेंगे। निंदा करो के प्रशंसा करो, महाप्रभु जी को एक नजरिया है, वह नजरिया के तहत भगवान को स्वरूप भी वो याद तरह से देखे हैं। और करके सुबोधनी में महाप्रभु जी ने बिना झिझक ये बात कह दी है कि भाई कृष्ण प्रकट हो गए है तो प्रमाण प्रमेय साधन फल चारों के चारों कृष्ण ही है। वो तो एक इंडिकेशन है। वो इंडिकेशन क्या बात को है कि जितनी भी साधना है वो साधना, वो जो परम तत्व है, वो परम तत्व को जो फंक्शन है या वाकी जो वर्किंग है, वाकी जो मोडस ऑपरेंडी है, वाकी मोडस ऑपरेंडी को एक मिनी मॉडल अपने भीतर लाने को है। मूल में या लिए यज्ञ को वेद ने विष्णु कहो, यज्ञो वही विष्णु, संहिता में जब वक्त यज्ञो वही विष्णु कहो जा रहे है वह वक्त विष्णु का मतलब कृष्ण नहीं है, सूर्य विष्णु भी नहीं है, चाको अपन विष्णु कह रहे हैं। विष्णु के अपने यहां तीन लेवल माने जाए, गुणावतार विष्णु, महाविष्णु और कृष्ण पुरुषोत्तम। वहां वो सूर्य के रूप में कहो गए यज्ञो वही विष्णु, पर वह यज्ञो वही विष्णु की हिंट्स के कारण महाप्रभु जी ने साधन सर्वनिर्णय प्रकरण की मंगलाचरण में यह बात कही कि यज्ञ रूपो हरि पूर्व कांडे ब्रह्म तनु परे अवतारी हरि कृष्ण श्री भागवत इल्यते।
ये यज्ञ रूपो हरि क्यों कही, यह बात को ध्यान से समझो। यज्ञ रूपो हरि कहने का महाप्रभु जी को मतलब है कि भगवान सच्चिदानंद है और सच्चिदानंद होने के कारण वो जा वक्त स्वरूपतः सच्चिदानंद है तो बाकी सत्ता चेतना और आनंदता अखंड है। अखंड है मने अपन यो तीन ब्लॉक नहीं कर सके, सत चित और आनंद। सत में चित भले भय, चित में आनंद भले भय, आनंद में चित मिले भय, वो सत में मिले भय, वहां वो डिविजिबल नहीं है, इनडिविजिबल है। सत्ता चेतना और आनंद ब्रह्म के, सत्ता चेतना और आनंद ब्रह्म के स्वरूप में डिविजिबल नहीं है, विभाज्य नहीं है, अविभक्त तया मौजूद है। वो बाकी स्वरूप कोटि है, पर जब कारण कोटि में वो खुद आत्म विभाजन करे है, जब अपना आत्म विभाजन करे और सत्ता चेतना और रति के रूप में अपनी वो प्रकट करे है, वह मखत वो सत्ता के पहलू से अपने आप को यज्ञ रूप यज्ञात्मिका सृष्टि प्रकट करे है। या लिए पुरुष सूक्त में यज्ञात्मिका सृष्टि है, ज्ञानात्मिका सृष्टि है और रत्यात्मिका सृष्टि है, तीनों तरह की सृष्टि बताई गई है। वो सृष्टि है वह ढंग की, वह सृष्टि को मिनी मॉडल अपने को अपने मार्ग में उनके जलवे समेट लाई है। यह सत्ता आज काम आई है, उनके जलवे समेट लाई है, यह चेतना आज काम आई है, उनके जलवे समेट लाई है। वो सृष्टि के मॉडल जलवा, सृष्टि को जो उनको जलवा है, स्वरूप कोटि को, कारण कोटि को और कार्य कोटि को, वो भक्ति आज काम आई है, अपनी साधना वह जात को मॉडल है। और यही के लिए हर एक साधना में आप ध्यान दोगे, ये महाप्रभु जी के अप्रोच की बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी साधना है वह साधना को भगवान के साथ इक्वेट कियो गयो है। और वो इक्वेट कियो गयो है याली अपन यो माने कि अपन निस्साधन है, फलम वा साधनम यत्र। और हरिराय जी कहें तो अपने को वो क्या है, वो स्तुत्यर्थक बात लगा, हो हो फलम वा साधनम यत्र पुष्टि में। फलम वा साधनम यत्र को मतलब कि जो साध्य है वो आपको साधन के रूप में अवेलेबल हो रहे हो, जो प्रमेय है वो आपको प्रमाण के रूप में अवेलेबल हो रहे हो। तो प्रमाण जो है, प्रमेय जो है, वो जो परम तत्व है वो प्रमेय रूपता मैं संभाल रहे हूं, प्रमाण रूपता तुम संभालो, फल रूपता मैं संभाल रहे हूं, साधन रूपता तुम संभालो। या तरह से वो आत्म विभाजन करे, या तरह से आत्म विभाजन करने के कारण प्रथम यज्ञ वो करे है। वो कल मैंने आपको बात बताई कि उन तो अपना सर्वस्व दीनो एक प्राण वपुदो है, तो प्रथम यज्ञ तो वाने वाने कियो है, सृष्टि के रूप में अपने आप को यज्ञ कियो है। और अपने आप को यज्ञ में जैसे आहुति दें, गुजराती में तुम्हारे जैसे कहें या होम करी ने पढ़ो आगे, ऐसे या होम करके वाने सृष्टि के रूप में आगे पढ़े है। और वो जो सृष्टि के रूप में आगे पढ़े है, वासु अपने में भीतर यज्ञात्मक साधना प्रकट हुए है, वाने अपने आप को जान्यो, वाने अपने आप को जान्यो, कौन से रूप से जान्यो कि मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं, मेरे अलावा कुछ नहीं है, वाने अपने आप को जान्यो करके वो आत्म रूप भयो करके बृहदारण्य उपनिषद कहे कि जो भी वाकु जाने हैं वो आत्मन्वी हो जाए। वो आत्मन्वी होना चाहते तो आत्मन्वी होने की प्रक्रिया ज्ञान के कॉरेस्पॉन्डिंग की साधना है। तो जब भी अपन ज्ञान सु साधना करेंगे तो अपन वाक अपन भी आत्मन्वी हो रहे हैं। कौन से आत्मन्वी? अपनी आत्मा सु तो अपन आत्मन्वी हैं, भूतात्मा की आत्मा सु अपन आत्मन्वी हैं,
इंद्रिय आत्मा की आत्मा सो अपन आत्मन भी हैं और प्रधान आत्मा सो भी समष्टितया नहीं तो व्यष्टितया तो अपन आत्मन भी हैं, क्योंकि सत्व रज तमो गुण अपने में भी काम कर रहे हैं और अपनी जो जीव चेतना के आत्मा सो भी अपन आत्मन भी है, पर परमात्मी आत्मन वासु आत्मा सो अपन आत्मन भी नहीं है करके ऐतदात्मविदं सर्वम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो, वो अपने आप को आत्मन भी बनाने की प्रक्रिया है और वो बृहदारण्य ज्ञान मार्ग की सारी साधना कोई तरह को तुम्हारे भीतर एक आत्मा को प्रकट करने की, पैदा करने की नहीं, जो है वह कुछ समझ पाने की साधना है। वाके लिए अहम ब्रह्मास्मि कहो जाए है, वाके लिए तत्वमसि कहो जाए है, ये आपको आपको मॉडल है और वाके भीतर एक आत्मरति भी है, वो आत्मरति वाने प्रकट करिए सवई नैवरे में स द्वितीय मैच्छत, तो वाने सवई नैवरे में स द्वितीय मैच्छत वा आत्मरति को प्रकट करने के लिए वाने द्वितीय की आकांक्षा करी, वालिए भक्ति की साधना में अपन द्वितीय की आकांक्षा करें, वही मैं भले ब्रह्म हूं ब्रह्मात्मक अंश हूं सर्वम खलु इदम ब्रह्म के अंतर्गत ब्रह्म हूं, पर मैं द्वितीय की आकांक्षा करूं जो परमानंद दास जी के हैं, जैसे परमानंद भेद भजन को जानत विरला को है। ते अपनी जितनी भी साधना है एक्चुअली सृष्टि के मॉडल को, एक सृष्टि को जो स्वरूप है वह को एक मॉडल अपने माइंड में अपने क्रिया में अपने ज्ञान में एक पैदा करना है। और ये यज्ञ जो है वह यज्ञ को जब भी देखोगे ना तो यही तरह से यज्ञ की सारी साधना चल रही है कि प्रजापति ऐसे किए वासु तुमको ऐसे करना चाहिए, अग्नि ने ऐसे किए वासु तुमको ऐसे करना चाहिए, वरुण ऐसे करे है वासु तुमको ऐसे करना चाहिए। अब वो सब अर्थवाद है और मीमांसा के दृष्टि में मिथ्या अर्थवाद है। महाप्रभु जी कहे मिथ्या अर्थवाद नहीं, वो सृष्टिवाद है, फर्क वहां पड़ गया बाबा। और जहां ज्ञानवाद आ रहे हो है वहां भी सृष्टिवाद आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो है?